पबजी क्रिएटर रिवील करते हैं न्यू ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स गेम। bitcoin.com डिप्लॉय करेगा वर्स डेवलपमेंट फंड को टू एक्सपेंड देयर इकोसिस्टम। इथेरियम वेयर्स के बीच में बोन शिबा स्वैप ज्वाइन करता है एज अ टॉप पिक। चेन क्रिप्टो ट्रांसफर प्रोजेक्ट के लिए स्विफ्ट पार्टनरशिप करता है चेनलिंक के साथ। पबजी क्रिएटर की तरफ से एक नए गेम की अनाउंसमेंट की गई है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होने वाला है। ब्रीडन ग्रीन जो कि क्रिएटर है पब्लिक अननोन बैटल ग्राउंड पबजी के, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक गेम पे वर्क कर रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाला है। इसमें NFT और मेटावर्स का भी समावेश होगा। इसमें एक वर्चुअल यूनिवर्स को तैयार किया जाएगा जिसमें प्लेयर्स गेम खेल सकते हैं, अपने अवतार क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिक जी डेवलपर्स की तरफ से ये डिस्कस किया गया है कि ये जो गेम है उसमें उनका मिशन है कि ये इंक्लूड करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, और ये एक ओपन सोर्स नेचर का गेम होने वाला है जिसमें कि प्लेयर जो है बेनिफिट ले सकेंगे गेम के यूज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। साथ ही इसमें पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि ओपन अप नेवल पॉसिबिलिटीज और एक्सपीरियंस देगा अपने यूजर्स को, और अब न्यू डिजिटल मार्केट में अपने आप में ही अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा जिसमें कि गेमिंग मैकेनिज्म एसेट्स टोकन इन सब का यूज करके इस गेम को प्ले किया जाएगा। इस अनाउंसमेंट में ये बताया गया कि वो एक डिजिटल स्पेस तैयार कर रहे हैं जिसमें कि इकोनॉमी जो है वो सिस्टम पे वर्क करेगी। साथ ही ये एक मनी मेकिंग वेंचर रहा हो कि गेमर्स और आर्टिस्ट के लिए एक उनके काम के द्वारा मनी अर्न करने का वर्क हो सकता है। एंड साथ ही इसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वेस्ट करेंगे बिलियंस में NFT और मेटावर्स बिजनेसेस में। एंटरप्राइजेस जो है वो इसके द्वारा अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकती है। bitcoin.com डिप्लॉय करेगा वर्स डेवलपमेंट फंड को एक्सपेंड करने के लिए अपने इकोसिस्टम को। हाल ही में अनाउंस किया गया है bitcoin.com की तरफ से, जो कि एक डिजिटल इकोसिस्टम है, सिक्योर सेल्फ कस्टडी प्लेटफॉर्म है जो न्यू कमर्स के लिए एक सेफली इंटरेक्शन कराता है क्रिप्टो करेंसी से और डिजिटल सेट से। ये अपने वर्स इकोसिस्टम की जो फंडिंग है उसे उस ग्रोथ और इनोवेशन के लिए यूज करेगा ताकि प्रोजेक्ट को और ज्यादा इंफिसाइज किया जा सके और इकोनॉमिक फ्रीडम और डेमोक्रेटिक फाइनेंस को और ज्यादा बिल्डअप किया जा सके। बिटकॉइन की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि ये जो फंड है ये ग्रांट एप्लीकेशन द्वारा डेवलपर्स और इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट के द्वारा Q1 2023 में एक्सेप्ट किया जाएगा, और इससे फोकस किया जाएगा कि जो डी एप्स इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट करेगा bitcoin.com की वर्स कम्युनिटी। वर्स टोकन जो कि एक वर्स इकोसिस्टम पे बना हुआ टोकन है और जो ERC20 पे बिल्ड है, इसकी जो भी डेवलपमेंट फंडिंग है उसे वर्स के इकोसिस्टम और bitcoin के इकोसिस्टम को अपग्रेड करने के लिए यूज किया जाएगा। और साथ ही इस वर्स टोकन जो है वो Q4 2022 में इसकी पब्लिक सेल को पब्लिक के लिए निकाला जाएगा। इथेरियम व्हील्स के बीच में शिप के बाद अब बोन शिबा स्वैप उनका फेवरेट पिक बनता जा रहा है। क्रिप्टो हैवी वेट्स ऑल्सो नोन एज इथेरियम व्हील्स, इनके बीच में शिबा स्वैप के बोन टोकन को लेके भी खलबली मच चुकी है। अब तक वो शिबा इनू को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट कर रहे थे। अब उनका टॉप पिक बोन शिबा स्वैप भी बनता जा रहा है। जब से एक न्यूज आई है कि कॉइनएक्स पे बोन को लिस्ट किया जा रहा है, साथ ही शिबेरियम भी जल्दी ही आ सकता है, इसके बाद बोन को भी इथेरियम वेल्स के बीच में बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिला है। वेल्स उसे भी एक्युमुलेट कर रही है अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही शिबा आर्मी और जो वेल्स हैं वो वेट कर रहे हैं शिबा इनू इकोसिस्टम की Layer 2 सॉल्यूशन का, जिसके बाद शिबा इनू के इकोसिस्टम में और ज्यादा चीजें अपग्रेड होंगी। तो रिजल्ट ये निकलता है कि शिबा का जो गवर्नर टोकन है वो इस टाइम पे वेल्स के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और उनका टॉप पिक बन चुका है। एट द एंड ऑफ Q3 2022 में कुछ ही टाइम बचा है और जो शिबा आर्मी के डेवलपर्स हैं वो डे बाय डे कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं। शिबा इनू में तो अपग्रेडेशन हो रहा है और उसके टोकन बोन में भी बहुत सारी चीजें हो रही है, नई लिस्टिंग हो रही है, जिस वजह से इथेरियम वेल्स की ये टॉपिक बन के उभर के सामने आया है। क्रॉस चेन क्रिप्टो ट्रांसफर प्रोजेक्ट के लिए स्विफ्ट पार्टनरशिप करता है चेनलिंक के साथ। इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट पार्टनरशिप करता है ओरेकल प्रोवाइडर चेनलिंक के साथ में, ताकि वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट पे काम कर सके, और जिससे कि अलाउ होगा कि ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग फर्म्स को कि वो अक्रॉस ब्लॉकचेन नेटवर्क अपना काम कर सके। चेनलिंक के को फाउंडर ने अनाउंस किया है कि ये प्रोजेक्ट
स्मार्टकॉन 2022 कॉन्फ्रेंस में इसे अनाउंस किया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि इस तरीके से जो डिजिटल और ट्रेडिशनल एसेट्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और क्रॉस चेन के थ्रू इधर से उधर ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। स्विफ्ट इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम जो कि मोस्टली यूज होता है वर्ल्ड वाइड ट्रेडिशनल क्रॉस बॉर्डर फिएट ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें कि करीब 11,000 बैंक इंक्लूडेड है वर्ल्ड वाइड, इनका रिकॉर्ड सिस्टम जो एवरेज है वो 44.8 मिलियन मैसेज पर डे का है, जिसमें टाइम लगता है। वो अपने आप को ब्लॉकचेन और डीएलटी टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने ये पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू वो अक्रॉस द चेन जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें इनिशिएट लेगी और अपने जो सिस्टम है उसको और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।